ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। Here we come. Come on, let us raise our voices to the King who reigns in splendor and majesty. For he is our God. There is no one like him. He is a loving father, a faithful shepherd, and a friend in times of every need. Stuti aradhanaon par jaati hai, aashish lekar niche aati hai. Stuti aradhanaon par jaati hai, aashish lekar niche aati hai. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. जाती है आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हाथों को उठा के सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, बाट जोती है.
और धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है, महिमा होती है। सीयोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सीयोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, प्यारे बच्चों, सुनीति आंटी की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम सबसे बड़ा ज्ञानी नाम की कहानी सुनेंगे। बहुत पुरानी कथा है, यूनान में एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक संत के पास पहुंचा। उसने संत को प्रणाम कर उससे कहा, महात्मा जी, मेरे जीवन में कुछ प्रकाश हो जाए, ऐसा कुछ ज्ञान देने की कृपा करे। इस पर संत बोले, भाई, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं भला तुम्हें क्यों ज्ञान दूंगा। यह सुनकर उस व्यक्ति को हैरानी हुई। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कई लोगों से आपके बारे में सुना है। इस पर संत बोले, तुम्हें ज्ञान चाहिए तो सुकरात के पास चले जाओ, वही तुम्हें सही ज्ञान देंगे, वे ही यहाँ के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वह व्यक्ति सुकरात के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मुझे पता लगा है कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हो। इस पर सुकरात मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि ये बात उसे किसने कही है। उस व्यक्ति ने उस महात्मा का नाम लिया और कहा, अब मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। इस पर सुकरात ने जवाब दिया, तुम उन्हीं महात्मा जी के पास चले जाओ, मैं तो साधारण ज्ञानी भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अज्ञानी हूँ। यह सुनने के बाद वह व्यक्ति फिर उस संत के पास पहुंचा। उसने संत को सारी बातें कह सुनाई। इस पर संत बोले, भाई सुकरात जैसे व्यक्ति का ये कहना कि मैं अज्ञानी हूँ, उनके सबसे बड़े ज्ञानी होने का प्रमाण है, जिससे अपने ज्ञान का जरा भी अभिमान नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। उस व्यक्ति ने इस बात को अपना पहला पाठ मान लिया। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो, तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड,
नई दिल्ली 110001 इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। Oh,
भरा तेरा नाम महिमा हो आराधना महिमा हो आराधना महिमा हो आराधना महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना महिमा प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला पौलुस का हृदय उसके सीने पर संसार के लिए हथौड़े के समान चोट करता था। यदि आप पौलुस को सूक्ष्म दर्शी के नीचे रखकर देखते तो उसकी एक एक कोशिका पर संसार के उद्धार की इच्छा लिखी हुई पाते। एथेन में यीशु का प्रचार करते हुए एथेन वासियों और परदेशियों से पौलुस ने कहा था, जिसे उसने ठहराया है कि उसे मरो हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। साउल पौलुस तब तक नहीं रुके जब तक कि उसके अनुयायी न केवल सारे मकदूनिया और अखाया में परंतु हर स्थान में सब लोगों के लिए उदाहरण न बन जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 1:6-8। चेले बनाने का यही अर्थ है। उसने बीज बोने पौधे रोपने के लिए संसार में सबसे मशहूर स्थानों को चुना। उसने कभी भी चिंता या तनाव रहित अवस्था में बने रहने की विलासिता का आनंद नहीं उठाया। धुन उसकी शैली की विशेषता थी। तो अब हम मुख्य मसले पर आते हैं, हमारा दर्शन क्या है? हम अपने आप को सीमित क्यों करते हैं? क्यों हम मेंढकों के समान शीत ऋतु में घर के भीतर जाकर सो जाते हैं, विशेषकर जब हमें पता है कि हमारे चेहरे विहीन विरोधी शैतान का दर्शन भी संसार है। उसके विषय में लिखा गया है कि वो सारे संसार का भरमाने वाला है। धर्म का प्रत्याग हो जाने पर उन दिनों में समस्त संसार पर पशु को देखकर चकित होगा और उसके पीछे चलेगा। ये बात प्रकाशित वाक 12:9 में लिखा गया है। आइए हम नींद में चलने की स्थिति से बाहर निकले और अपने दर्शन को विस्तार दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:14। उन्होंने कहा था, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं, यूहन्ना 9:5। इसलिए पृथ्वी से जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों को जगत की ज्योति बनने के लिए तैयार किया। यहां तक कि सामरियों ने भी साक्षी दी कि यीशु ही संसार का उद्धार करता है। आइए हमारा दर्शन समस्त विश्व के लिए हो, यह हमारे प्रार्थना के जीवन से आरंभ हो। कितनी बार हमारी
प्रार्थनाएं केवल हमारे परिवार, मित्रों, अधिक से अधिक हमारे देश तक ही सीमित होती है। हमारा गर्वीला, निर्बल और रोगग्रस्त संसार सोया हुआ है। विश्वासियों को अवश्य कि वे अपनी सोच को बदले। मुझे लगता है कि यदि हम सबका दर्शन विश्वव्यापी होता तो क्या हो जाता है? केवल स्थानीय मसलों पर ही प्रार्थना ना करते, विश्वव्यापी समस्याओं जैसे आतंकवाद के लिए भी प्रार्थना करें, जो बढ़ता जा रहा है। प्रार्थना के विषय चुनने के लिए समाचार पत्रों को साधन बनाइए। जब पवित्र आत्मा हम पर आया था तब हमें सामर्थ्य मिली थी, तो क्या हमें अपने गृह नगर, जिले, राज्य और देश तथा पृथ्वी की छोर तक प्रभु के गवाह नहीं होना चाहिए? ऐसा करने का सर्वोत्तम तरीका है प्रतिदिन के विकल्पों का चुनाव करते समय विश्व हमारे हृदय और विचारों में हो। स्वयं को पैसा कमाने या पिकनिक मनाने से बढ़कर किसी और योजना में लगाएं। हम संसार में सुसमाचार प्रचार को सर्वोत्तम समय में जी रहे हैं। जब तक उजाला है हम अपना अपना काम पूरा कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24:14। किंतु समय बीतने के साथ साथ द्वितीय आगमन का विश्वव्यापी दृष्टिकोण धूमिल हो गया है। यीशु ना तो कमरों में रुकते थे, ना ही वो विश्राम करते थे, बल्कि वे हमेशा अग्रसर थे। वो चाहते थे कि बहुतों के पास ये समाचार पहुंचे। मेरे मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएंगे? क्या आपके मन में तमन्ना है कि आप आज इस मरे हुए विश्व में अपने आप को एक सच्चे इंसान के रूप में खड़ा करने का विचार कर रहे हैं? क्या एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि आप भी दूसरों से मोहब्बत करें। एक विशाल प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है, वो चाहता है कि वो विशाल प्रेम हम दूसरों के साथ करें। कि आप इसके लिए तैयार हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, हम जो अपने विश्वास में प्रभु ठंडे हो गए हैं, हमें जागृत कर, हमें एक मौका दे प्रभु कि हम तेरे पास आ सके, तेरे शिष्य बन सके प्रभु जी, और दूसरों से हम प्यार कर सके जो प्यार तूने हमें सिखाया है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को, बीमारियों को, तकलीफों को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR Hindi Asia। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवनधारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।